मेरे पास है एक्सियोम का चौड़े सॉन्ग TMX और आज उसका मैं रिव्यू देने वाला हूँ। TMX का मतलब है ट्राई मैट्रिक्स और इसका मतलब है तीन कार्बन, एक है ALC, एक है ZLC और तीसरा है X कार्बन। तो ये पहली बार हुआ है जो तीन कार्बन को वीविंग करके एक पूरा लेयर बना है। तो इसमें बेसिकली 7 टाइप के लेयर्स होते हैं, 5 लेयर है वुड का और 2 लेयर है कार्बन का, और वो दो लेयर को बेसिकली TMX बोल के तीन जो कार्बन है मिक्स करके उसका ये पूरा लेयर बना है। काफ़ी एक यूनिक ब्लेड है और ये आई डाउट किसी ब्रांड ने ऐसा कॉन्सेप्ट लाया है। तो इसको खेल के देखते हैं और फील करते हैं कि ये ब्लेड में कितना पावर है और कितना स्पिन है। इधर 4 इंच पे फोन बंद कर। कौन है? कट कर, कट कर। सबसे पहले मैं ब्लेड की तारीफ करूंगा इसका कंस्ट्रक्शन को लेके। इसका कंस्ट्रक्शन इतना अच्छा है कि आई थिंक ये किसी भी हाथ में इजीली फिट हो सकता है। मैं एक्सियोम के ब्लेड का इतना बड़ा फैन नहीं हूं क्योंकि उसका जो कंस्ट्रक्शन है मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आता है, बट ये ब्लेड और एक आइसक्रीम, इन दोनों का कंस्ट्रक्शन इतना अच्छा है कि हाथ में इजीली बैठता है। और आई थिंक वो जो कंफर्ट लेवल है, जो बहुत सारे प्लेयर्स को ग्रिप को लेके जो एक कम्फर्ट लेवल होता है, वो आपको एक वो कम्फर्ट लेवल ये रैकेट में आपको ईजिली मिल जाएगा। तो अब इसका टेक्निकल पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। ये बहुत ही एक बैलेंस ब्लेड है एलीट प्लेयर्स के लिए, और जिस फॉर्मूला से बना है, ये तीन कार्बन यूज़ किया है, उसको कहीं ना कहीं इजीली जस्टिफाई करता है। तो जैसे मैं फोरहैंड टॉसिन मार रहा हूँ या फिर बैकहैंड टॉसिन मार रहा हूँ, मुझे ये फील हो रहा था कि अगर ये तीन कार्बन को वीविंग करके ये बनाया तो इसका क्या आउटपुट रहेगा, क्या रिजल्ट रहेगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जितना मैं ब्रश कर रहा हूँ उतना ब्रशिंग जनरेट हो रहा है, एंड एट द सेम टाइम अगर मुझे लगता है कि ज़्यादा पावर लगाओ या फिर इम्पैक्ट से मारूँ तो वो भी पॉसिबल हो रहा है। तो ओवरऑल ये ब्लेड को अगर मैं कंपेयर करूँ तो सुपर विस्कारिया से मैं कंपेयर कर सकता हूँ। सेकेंडली, अभी ये किस टाइप के प्लेयर्स को ये रैकेट सूटेबल है, तो मैं बताऊंगा कि ये सबको सूटेबल है, क्योंकि जैसे मैं आगे से खेल रहा था तो मुझे वो हार्डनेस फील नहीं हो रहा था। जैसे स्टार्ट में बताया कि बैलेंस ब्लेड है, कंट्रोल अच्छा मिल रहा था, फील अच्छा मिल रहा था, और जैसे मैं टेबल छोड़ के पीछे से जा रहा था तो एक कहीं ना कहीं कंसर्न था कि वो ट्रैजेक्टरी या थ्रो एंगल मिलेगा, बट वो भी ये रैकेट ईजिली जनरेट कर पा रहा था। और एक ये मेरी साइड से मैं एक फीडबैक देना चाहता हूँ, आपको बैकहैंड पे थोड़ा मीडियम या फिर मीडियम सॉफ्ट रबर यूज़ करना चाहिए, या फिर मीडियम एकदम हार्ड नहीं, और फोरहैंड पे आप हार्ड रबर इसके साथ यूज़ कर सकते हो। तो आपको ओवरऑल जो इसका एक्सपीरियंस है बहुत ही बढ़िया मिलेगा ये ब्लेड का। तो जैसे मैं बताऊंगा कि ब्रशिंग टॉप लेवल का है, इम्पैक्ट काफ़ी अच्छा है, जो थोड़ा कंसर्न था क्योंकि ब्लेड्स कैसे होते हैं, या तो फिर बहुत ही पावर के साइड जाते हैं जिसको हम हार्ड ब्लेड बोलते हैं, या फिर एक फील और स्पिन के साइड जाते हैं। बट क्योंकि ये एक यूनिक ब्लेड है, एक यूनिक कॉन्सेप्ट से ये ब्लेड बनाया है, तो मैं बताऊंगा कि आपके हाथ में आप स्पिन भी जनरेट कर सकते हो, फ्रिक्शन भी डाल सकते हो, एंड एट द सेम टाइम अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालना है वो भी कर सकते हो,
बहुत पावर डालना है वो भी पॉसिबल है, और क्लोज टू द टेबल और अवे फ्रॉम द टेबल आप इजीली अटैक कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी थोड़ा ब्लॉक करके देखते हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ अटैक किया है, ब्लॉक का इतना फील नहीं किया, थोड़ा ब्लॉक करके इसका और फीलिंग समझते हैं ब्लेड का। अगर आप एक मीडियम लेवल के प्लेयर हो तो मैं आपको ये रैकेट सजेस्ट करूंगा, बट आपको एक चीज इसमें ध्यान रखना है कि आपको फोरहैंड पे मीडियम और बैकहैंड पे थोड़ा मीडियम या फिर मीडियम सॉफ्ट रबर यूज करना चाहिए। इसका रीजन बोलता हूं, जैसे मैं ब्लॉक कर रहा था मैंने ये देखा कि इसका जो अब्सॉर्ब करने का कैपेसिटी है ब्लेड का वो इतना अच्छा नहीं है हार्ड रबर्स के साथ। अभी मैं ओमेगा 72 राय और एक साइड एशिया यूज कर रहा हूँ, ये दोनों थोड़ा हार्ड रबर्स है तो इतना अब्सॉर्ब नहीं कर रहा था। बट इसका ये मतलब नहीं है कि बॉल बहुत ही ज्यादा यू नो थ्रो कर रहा है, कैच नहीं कर रहा है, कैच कर रहा है। अगर मैं इसमें सॉफ्ट रबर यूज करूँ तो डेफिनेटली वो ब्लेड में फील है जो कैच करके कंट्रोल कर सके। और अगर आप एलीट प्लेयर हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हार्ड रबर यूज कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली आपको यू नो उतना आपके हाथ में कंट्रोल है, उतना आपके इसमें बैलेंस है। सो सेकेंड चीज, जैसे मैंने टॉप स्पिन मारा, एफर्टलेस गया क्योंकि रबर और ब्लेड ने अच्छा कैच किया, अच्छा फील है, तो ज़्यादा थ्रो नहीं किया, कंट्रोल करके रिटर्न किया। एंड ये मैं बोलूँगा कि ब्लॉक के लिए अच्छा है। अगर आप टॉप लेवल प्लेयर हो, एकदम यू नो सीनियर लेवल पे खेल रहे हो, या फिर आपके हाथ में बहुत ही अच्छा कंट्रोल है, तो आप इसको हार्ड रबर्स के साथ कंबाइन कर सकते हो, तो आपको ब्लॉक में प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक मीडियम रेंज लेवल प्लेयर हो और आपका कंट्रोल ओके है, इतना अच्छा नहीं है, तो फिर आप थोड़ा सॉफ्ट रबर यूज कर सकते हैं। बट आप ऐसे मत सोचिए कि ये एक हाई एंड टॉप एंड ब्लेड है तो कंट्रोल नहीं होगा, कंट्रोल दिख रहा है, बट जैसे मैंने आपको सजेस्ट किया थोड़ा सा सॉफ्ट रबर यूज करिए, फिर जो अब्सॉर्ब करना है, ब्लॉक करना है, वो बहुत ईजी होगा, क्योंकि ये रबर रैकेट में, ये पूरे ब्लेड में बहुत ही अच्छा फील है। एंड सेकेंडली, जैसे मैंने अटैक किया और पीछे से मैं ब्लॉक कर रहा था, तो मुझे ये समझ में आया कि बिकॉज थ्रो एंगल अच्छा है तो ज़्यादा बॉडी से या फिर यू नो एक्स्ट्रा ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो भी इजी हो रहा था। अभी थोड़ा सर्विस करके देखता हूँ और थोड़ा फ्री खेल के देखता हूँ लास्ट, और लास्ट में समझता हूँ कि कितना इसमें कंट्रोल में कर सकता हूँ सर्विस में, और ओवरऑल मेरा क्या एक्सपीरियंस है। सो ओवरऑल जब मैं सर्विस कर रहा हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये रैकेट से बॉल एकदम छूट नहीं रहा है। बहुत सारे ब्लेड में ऐसा होता है कि आपको कंट्रोल करना मुश्किल होता है, जैसे कॉन्टैक्ट होते वक्त ही रिलीज हो जाता है। लेकिन एक चीज़ अब मैंने नोटिस किया है कि जितना मैं ब्रश करूँगा उतना ज़्यादा बॉल कैच हो रहा है, बट एट द सेम टाइम मैंने ब्रश नहीं किया और सिर्फ फॉरवर्ड किया सर्विस, तो वो पावर से जा रहा है। तो अगेन मैं वो टेक्नोलॉजी का 100 मार्क्स दूंगा, क्योंकि आपके बेसिकली हाथ में है, रैकेट वही करेगा जो आप करना चाहते हो। अगर मैं ज़्यादा ब्रश कर रहा हूँ तो बॉल रुक रहा है सर्विस में, अगर मैं ज़्यादा इम्पैक्ट से डाल रहा हूँ तो उतना स्पीड से जा रहा है।